सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, आप लोग 14 ए एक्सरसाइज के हमने आपको तीन सवाल दिए थे, तो तीन आपने किए होंगे। आज चौथा सवाल पर हम चलते हैं। वैसे है कुछ नहीं, अगर आप चाहते तो ये सभी सवाल आप कर सकते थे। है क्या कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 80 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। अब उसमें हमें फेंसिंग करानी है। फेंसिंग मीन्स कांटे लगवाने होते हैं चारों तरफ, जैसे कि ये हम फील्ड बना देते हैं। ये 80 मीटर है और ये 45 मीटर है, तो हमें फेंसिंग करानी है। तो फेंसिंग हम बाउंड्री पर कराएंगे, न कि बीच में कराते। तो हम फेंसिंग को ऐसे कहते हैं, कांटे लगवाते हैं। तो मींस हमारे पास 85 रुपए 40 पैसे का 1 मीटर फेंसिंग आता है, तो बताएं आप कितने रुपए हमारे खर्च हुए होंगे। अब आपको देखना है ये भी मीटर, ये भी मीटर, उधर भी मीटर, तो आपको कोई कन्वर्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 80 मीटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 45 मीटर। अब पेरिमीटर निकालेंगे, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एल प्लस बी टू द होल ट्वाइस। तो मींस हम टू का मल्टीप्लाई करते हैं एल और बी को जोड़कर, तो 80 प्लस 45, इनको जोड़ दें 5, अब इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 250 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन पर चलता है कि हमारे पास जो फेंसिंग खरीदी थी तो 250 मीटर की निकलकर आ गई है, तो कॉस्ट, अब कॉस्ट लगा दें, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 85.40। तो कॉस्ट ऑफ 250 मीटर फेंसिंग रुपीज 85.40 इंटू 250, आप इसका मल्टीप्लाई कर दें, जो रकम आएगी वो आपकी समाप्त हो जाएगा यहीं पर क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा है, ये स्क्वायर फील्ड है, इतना फेंसिंग इतने रुपए मीटर है, तो आप क्या करेंगे, वन साइड ऑफ स्क्वायर, पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर फटाफट निकाल के कॉस्ट करके लिख सकते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी साइड दी गई है 3, क्योंकि ट्राइंगुलर गार्डन में, तो ट्राइंगुलर में तो 3 साइड होती है, तो हम पेरिमीटर निकाल लेंगे और उसका कर लेंगे। तो अब ट्राइंगल जब निकालोगे पेरिमीटर, तो लिखोगे सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों साइडों को प्लस करना होगा और इसी तरह कॉस्ट निकालनी होगी। पांचवा क्वेश्चन, ये कल मैंने आपको पढ़ा भी दिया था लेकिन दोबारा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अब पांचवे में देखते हैं, एक पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है 80 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो आपका पेरिमीटर मिल जाएगा, स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × 1 साइड इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × 1 साइड, उसकी डिजिट लिख देंगे, फिर 4 का डिवाइड दे देंगे, उसकी 1 साइड निकलकर आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये बचे हुए क्वेश्चन कर लेना। कल 6 और 7 ये क्वेश्चन है, टिपिकल है, ये भी पढ़ा।